माता रानी की महिमा का वर्णन किया महामंडलेश्वर ने। एमपी यूपी सीमा को जोड़ने वाले पहुंच पुल के निर्माण की मांग दोहराई महाराज जी ने। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा को जोड़ने वाली पहुंच नदी और जनपद जालौन के अंतिम गांव के पास स्थित मऊ महोनी का मंदिर धार्मिक तो है ही, ऐतिहासिक भी है। यहाँ अनेकों राजाओं महाराजाओं का आगमन मनौती मांगने के लिए होता रहा है। माता रानी की महिमा का व्याख्यान कर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर ठडेश्वर जी महाराज ने सांसद जालौन करौठा भोगनीपुर भानु प्रताप सिंह वर्मा, विधायक माधोगढ़ मूलचंद निरंजन से पहुंच नदी के पुल का निर्माण के कार्य को शीघ्र शुरू कराने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि गत वर्ष दोनों ही जनप्रतिनिधि इस सेतु का शिलान्यास कर गए थे, पर आज तक कार्य शुरू नहीं हुआ। उसमें आने वाली बाधाओं को दूर करें और निर्माण का अपना वायदा निभाएं। इस दौरान उनके शिष्य पुरुषोत्तम दास, हरिदास, रामकृष्ण दास, रामजी दास, मनोज दास, पूर्व प्रधान संतोष कुमार जाटव आदि उपस्थित रहे। रिपोर्ट ओम प्रकाश उदयनिया, ब्यूरो चीफ जनपद जालौन। अमृत है जिसकी संतान नहीं हो उसकी संतान होती है, जो धनहीन हो उसके धनवान हो जाता है, और जो अगाध बीमारियां कैंसर सिरी के रोग भी यहाँ मिट गए हैं, और बहुत लोगों की जो शारीरिक बीमारियां थी, खास चुकी है, कुछ भी हो, तो केवल कुंड का पानी और माँ की भक्ति देते हैं। यहाँ सब कृपा है जो माता की है, हम तो इसी इसके अधीन देखिए भजन करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं कि माता उनका काम कर रही है। और उनके बारे में बताया जा रहा है कि देवी प्रतिमा उसमें कुछ विराजमान है, सर उनके रिलेटिव से उसको सीधा करने के लिए कार्य तैयार किया है। ये कुंड के ऊपर पहले प्रतिमा बाहर थी, यहाँ कुछ मुसलमानों के घर थे, तो एक मुसलमान क्या करता था, अपनी गैया का सुबह दूध निचोड़ करके और उसको चरने के लिए भेज देता। शाम को गैया चर के आती और उसके घर जाती तो वो गैया दूध नहीं देती, गैया कुंड के पास खड़ी हो जाती, उसका दूध सारा मूर्ति पे निचुड़ जाता था। तो वो फिर देखता कि सुबह दूध देती है, शाम को क्यों नहीं देती। तो एक दिन वो सारे दिन साथ साथ में घूमा, फिर गौ माता जंगल से चर के आई, कुंड के पास खड़ी हो गई और मूर्ति पे निचुड़ गया। उसने उसको तलवार से यही गैया को काट दिया। तो जभी से माँ कुंड में लुप्त हो गई और जभी से अब कोई मुसलमान जाएगा भीत नहीं। यहाँ पे कोई बाहर का मुसलमान भी आकर के रहने की इच्छा करता वो भी नहीं रह पाता है। बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत सिद्ध मूर्ति है, जो भी भक्त अपनी मनोकामना से आते हैं उसकी पूरी होती है। बहुत अच्छा हमने बताया महाराज जी। यहाँ जो जैसे बरसात का मौसम होता है, मेला लगता है, इन लोगों के आवागमन में बड़ी दिक्कत रहती होगी, जैसे अभी हम लोग ही नदी से गुजर के आ रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ रोड रोड का निर्माण के संबंध में? यहाँ ये पहुँच नदी है, इस उत्तर प्रदेश में पड़ती है, पहले तो हमारे मंदिर के पीछे ही थी एमपी में, और फिर अब ये उत्तर प्रदेश की सीमा में चली गई। इसका ठेका भी पहले हमारे मध्य प्रदेश से होता था, लार से जन पंचायत से, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश में बन गई। तो अभी नए विधायक बने हमारे मूलचंद जी, तो उनसे यहाँ मौनी माता पे आए तो उनसे यही शर्त करी कि भाई हमारे पहुँच का पुल हो जाए। तो उन्होंने कहा महाराज जी अगर मैं जीत गया बाकी कृपा से तो मैं पुल का पास कर पाऊँगा। तो अपने विधायक साहब और सांसद जी ये गए होंगे योगी जी के पास और योगी जी से आके इसको पुल को पास करवाए। इसको पुल का पास करवाने के बाद 2018 में इसका पुल का उद्घाटन किया, इसका शिलान्यास हुआ पुल बनने का, लेकिन कुछ रोड़ा या वन विभाग से उठका होगा या कुछ इसी से उठका होगा या कोई ठेकेदारों की लापरवाही होगी, कुछ एमपी में कार्य भी चला, हमारे इधर एमपी के धोबियों के खेत पड़ते हैं, कुछ उसने भी रोड़ा डाला, इस कारण से इस पुल का काम अटक गया। और माँ से प्रार्थना लगा रखी है, विधायक जी को भी कहा हमने, उनका काम शीघ्रता से शीघ्र चालू होगा। अगर कुछ पुल में ढिलाई पड़ती दिखी, अगर हमारे एमपी से कुछ भी होगा तो हमारे विधायक जी श्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं, उनसे हम कहेंगे और उनसे इस पुल का काम हमारी एमपी की तरफ से कुछ कुछ होगा तो चालू करवाएंगे और इसका कार्य चालू होगा सितम्बर महीने। जो शिलान्यास करने आए थे उसमें सांसद जी भी आए थे, विधायक जी भी आए थे, इसका शिलान्यास के बाद कभी आगमन हुआ विधायक सांसद में? शिलान्यास के बाद सांसद जी तो नहीं आए, विधायक जी तो आए एक दो बार, उस समय नहीं आप उनको बताया कोई कि शिलान्यास कर दिया अब काम रुका पड़ा है? अभी अभी हम आए तो उन लोगों से मिले, तो उनका यही कहना था कि पहले तो वहाँ पर दिक्कत पैदा हुई, खेत वालों ने दिक्कत पैदा की, उसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने जो है कुछ बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो लेकिन जेल के यहाँ वो ये नहीं बता सके, तो शायद आपके संज्ञान में कुछ ऐसा हो। ऐसा है
उन्होंने उनसे विधायक जी से हमने बात करी थी, विधायक जी बोले महाराज रात के कार्य से ऐसा थोड़ा पड़ा है ये और ये चालू हो जाएगा। और फिर हमने हम भी माँ कुंभ में चले गए थे, कुंभ के बाद हमारी कमजोरी आ गई थी, फिर राजस्थान चले गए, कमजोरी चेक कर तो डॉक्टर ने हार्ट का हमको बता दिया कि पाँच में से ब्लॉक है, फिर हार्ट का इलाज कराया, छल्ला वल्ला पड़ाया, उसके कारण से हम यहीं रह गए, किसी से मिलजुल नहीं पाए। और अब जो है सिविल डॉक्टर मिल गए, उसका काम चला, प्रयास करते रहिए और कृपा रहेगी तो बहुत जरूरी है। वाला ग्वालियर के चंपत के उनका मकान है, उनका लड़का बहुत बड़ा बीमार हो गया था, मरण अवस्था में हो गया था, उसको यहाँ लाए, यहाँ ला के उसके पिता ने सुला दिया ये भगवती इसको जीवित करना, मैं मंदिर बना के जाऊँगा। वो लड़का जीवित हो गया और वो मंदिर बना के गया, ये 450 वर्ष पहले की बात है, जिसके बाद हम 1998 में मतलब 1998 में यहाँ आए, पहले खड़े रहते थे सिंहपुरा में, महाराज ने हमको यहाँ लाए और हम यहाँ बैठे, जब इससे माता की इतनी कृपा हो गई ये मंदिर करोड़ों की तादाद में मंदिर में बन गया। और ये जो कुंड है हमारे मंदिर पे, ये बहुत प्राचीन सिद्ध कुंड है, दज्जा के महाराजा प्रसव देव जी ने यहाँ लखचंडी यज्ञ करवाया था, 125,000 मन का हवन हुआ है, सोना चांदी तांबा पीतल धातु का सब हवन हुआ है, उनके कोई संतान नहीं थी, दज्जा के महाराजा प्रसव देव जी के कोई पुत्र नहीं था। तो महाराज यहाँ हवन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे और साक्षात सिंह पे बैठ के माँ ने उनको दर्शन दिए, जभी से उनके 8 पुत्र हुए, जभी से 8 कन्याएं बनी।